एकता कपूर एक बार फिर टेलीविजन पे ला रही हैं अपने सबसे बड़े पॉपुलर शो को जो है कसौटी जिंदगी की, लेकिन एक नए अंदाज में। पिछले हफ्तों की खबरों के अनुसार हमें पता चला था कि कसौटी जिंदगी में कोमोलिका नाम के सबसे फेमस किरदार को इस बार हीना खान निभाने वाली है। हीना खान ने इन खबरों को अफवाह बताते हुए कहा है कि अभी ऐसा कुछ फाइनल नहीं किया गया है, उन्होंने अब तक कोई भी प्रोजेक्ट साइन नहीं किया है, इसलिए वो इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकती। एकता कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया था कि 9 साल तक चलने वाले उनके सबसे सक्सेसफुल रोमांटिक टीवी सीरियल जल्द ही स्क्रीन पे वापस आने वाला है। इसकी कहानी उन्होंने 2001 में अपने टूटे दिल के साथ लिखी थी और आज 17 साल बाद वो उसे सबके सामने लाने वाली है। उन्होंने बताया कि सीरियल से जुड़े नाम अनाउंस करने में अभी थोड़ा वक्त और है। एकता से जब उर्वशी ढोलकिया के मशहूर किरदार कोमोलिका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस रोल की कास्टिंग करना बेहद मुश्किल होने वाला है। उन्होंने बताया कि इस रोल के लिए उन्होंने सिर्फ एक एक्ट्रेस को अप्रोच किया है जो कि उनकी पहली और आखिरी पसंद है। वेल, ये एक्ट्रेस कौन है ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। एकता कपूर एक बार फिर टेलीविजन पे ला रही हैं अपने सबसे बड़े पॉपुलर शो को जो है कसौटी जिंदगी की, लेकिन एक नए अंदाज में। पिछले हफ्तों की खबरों के अनुसार हमें पता चला था कि कसौटी जिंदगी में कोमोलिका नाम के सबसे फेमस किरदार को इस बार हीना खान निभाने वाली है। हीना खान ने इन खबरों को अफवाह बताते हुए कहा है कि अभी ऐसा कुछ फाइनल नहीं किया गया है, उन्होंने अब तक कोई भी प्रोजेक्ट साइन नहीं किया है, इसलिए वो इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकती। एकता कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया था कि 9 साल तक चलने वाले उनके सबसे सक्सेसफुल रोमांटिक टीवी सीरियल जल्द ही स्क्रीन पे वापस आने वाला है। इसकी कहानी उन्होंने 2001 में अपने टूटे दिल के साथ लिखी थी और आज 17 साल बाद वो उसे सबके सामने लाने वाली है। उन्होंने बताया कि सीरियल से जुड़े नाम अनाउंस करने में अभी थोड़ा वक्त और है। एकता से जब उर्वशी ढोलकिया के मशहूर किरदार कोमोलिका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस रोल की कास्टिंग करना बेहद मुश्किल होने वाला है। उन्होंने बताया कि इस रोल के लिए उन्होंने सिर्फ एक एक्ट्रेस को अप्रोच किया है जो कि उनकी पहली और आखिरी पसंद है। वेल, ये एक्ट्रेस कौन है ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।